राम राम किसान भाइयों, मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, धान की फसल में हल्दी रोग यानी कंडुआ या फॉल्स स्मट कब आता है, क्यों आता है, इस रोग के आने के प्रमुख कारण क्या हैं और हम इस रोग से अपनी फसल को कैसे बचाएं, किन दवाओं का उपयोग करें, यह सब जानकारियाँ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें जिससे कि आप अपनी धान की फसल को इस रोग से होने वाले नुकसान से बचा सकें। तो किसान भाइयों, यह जो फॉल्स स्मट या हल्दी रोग हमारी फसल में आता है तो उसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे मौसम में 90% ह्यूमिडिटी का होना, तापमान की हम बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान का होना और धान की फसल में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करना। तो यह बीमारी हमें धान की फसल में देखने को मिलती है, यानी जिस खेत में नमी ज्यादा बनी रहती है, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में दिया जाता हो, तो ऐसे खेत में यह रोग सामान्यतः हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, इस रोग का नियंत्रण हम अपनी फसल में कैसे करें। तो किसान भाइयों, अगर आप कुछ सावधानियां रखते हैं तो आप धान की फसल में लगने वाली इस भयानक बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो खेत में हमेशा ज्यादा नमी ना बनाए रखें और फसल में आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें। इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसान भाइयों रासायनिक नियंत्रण की, तो आप अपनी फसल में बालियां निकलने की अवस्था से पहले निम्न में से किसी भी दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त रहती है। कोर्टेवा कंपनी के कोसाइड फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। या फिर UPL के कुप्रोफिक्स फंजीसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, इसकी भी 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। आप इनमें से किसी भी एक दवा का स्प्रे बाली निकलने से पहले कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपके खेत में बालियां निकल आई हैं और यह बीमारी आपके खेत में देखने को मिल रही है तो आप ऐसी स्थिति में इसे कंट्रोल करने के लिए कोर्टेवा कंपनी के कोसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करें या फिर सिजेंटा के कवच फंजीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। बात करें कवच की डोज की, तो इसकी 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, बाली निकलने के बाद इन फंजीसाइडों का बालियों पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और यह रोग पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।